हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मानिस गार्डनिंग चैनल। तो दोस्तों, आज जैसे कि मेरे हाथ में ये मेडिसिन देख रहे हैं, ये मैंने ऑनलाइन परचेज़ की है। इसकी वीडियो मैंने देखी थी, बहुत अच्छा रिज़ल्ट था प्लांट के ऊपर, लेकिन मेरे किस्मत ख़राब थी जो मैंने इसको परचेज़ किया। और इसमें मेरे तोते बहुत शोर मचा रहे हैं पीछे, खैर। तो मेरी किस्मत ख़राब थी जो मैंने इसे परचेज़ किया। मेरे 22 टमाटर के प्लांट, 6 मेरे चिली प्लांट्स और मुख्तलिफ़ किस्म की वेजिटेबल्स के प्लांट और मेरे सलाद पत्ते के प्लांट सारे के सारे इस मेडिसिन की यूज़ की वजह से चल गए। इसकी मैंने सिर्फ एक चम्मच जो है पानी में घोल के डाला था और स्प्रे किया अपने तमाम प्लांट्स पे, और मेरे सारे के सारे प्लांट्स पहले ब्राउन हुए, उसके बाद जो है ये सारे प्लांट जो हैं एक एक करके सूखते गए और मर गए। मैं बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हो गई थी, जून जुलाई शुरू हो गया था, मैं मज़ी सीडलिंग कर भी नहीं सकती थी। तो फिर मैंने जो मेरे पास चिली प्लांट्स वगैरह थे वो मैंने ग्रो कर लिए मेरे चिली प्लांट्स से। शिमला मिर्च के प्लांट्स भी के भी सीड्स थे, तो ये शिमला का भी एक माशाल्लाह बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहा है, ये आप देख सकते हैं। और ये मेरे पपीते के प्लांट हैं, ये पपीते के प्लांट भी मेरे बहुत अच्छे ग्रोथ कर रहे हैं माशाल्लाह। एक पपीते का प्लांट पहले ही मैं, ये नींबू का प्लांट है, नींबू का प्लांट भी मैंने नींबू के सीड डाल दिए थे, तो माशाल्लाह बहुत अच्छे मेरे सीड जर्मिनेट हो गए हैं। अभी ये सब ड्राई हो रहे हैं, पानी लगाऊंगी मैं इसमें, तो ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ हो रहे हैं। खालिस ऑर्गेनिक तरीके से मैं इनको ग्रोथ कर रही हूँ, बिल्कुल भी मैं इनमें केमिकल नहीं डाल रही हूँ, और आई होप कि ये सर्वाइव कर जाएँ। ये एक और है मेरा नींबू का प्लांट, इसके साथ मेरा पपीते का भी निकल आया है प्लांट, कोई सीड गिर गया होगा। तो जून जुलाई में हम इन जो हार्ड रूट्स वाले प्लांट्स होते हैं ना, उन्हीं को ग्रोथ कर सकते हैं, इसके अलावा हम कोई और सीडलिंग नहीं कर सकते। लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरे बैंगन के सीड्स भी जर्मिनेट हो गए, और वो भी मेरी आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं, उसके बारे में मैंने बताया आपको बैंगन के सीड्स के बारे में, तो काफ़ी अच्छे से मेरे ग्रोथ कर गए। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ आप लोगों को यही बताना चाहती हूँ फ्रेंड्स, के कोई भी ऐसी दवाई जो आप ऑनलाइन देखें, उसको देख के जब तक उसके बारे में मुकम्मल नॉलेज ना हो तो होशियार मत बने, वरना आपके प्लांट भी मेरी तरह सारे के सारे जल जाएंगे और बर्बाद हो जाएंगे। क्योंकि वीडियोस में एडिटिंग करके बहुत कुछ दिखा दिया जाता है, उसके बाद जब हम उसको यूज़ करते हैं तो हमारा तमाम गार्डन जो है ख़राब हो जाता है, या तमाम प्लांट्स जो हैं जल जाते हैं और हमें नुकसान हो जाता है, हम बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हो जाते हैं। मेरे तो बहुत ही ज़्यादा मैं डिसहार्ट हो गई थी, फिर मुझे अपने गार्डन की 90% सॉइल जो है इस दवा की वजह से मुझे फेंकनी पड़ी, और फिर मैंने नई सॉइल मंगवाई। और जो चिली प्लांट्स इस मौसम में ग्रोथ करते हैं, पपीते प्लांट ग्रोथ करते हैं, मैंने सिर्फ उसी की सीडलिंग करी। आई होप कि अब मैं जो है अगस्त में इंशाल्लाह नए सीज़न में नए ग्रोथ करूंगी, नए सीड्स डालूंगी और वेजिटेबल सीड्स बिना किसी केमिकल, बिना किसी दवाई के आप लोगों को दिखाऊंगी। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, बिना किसी नॉलेज के ये मेडिसिन यूज़ मत किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।